बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की कथा की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और आज बारी है पाठ 3, अम्बा और भीष्म। कल की कहानी को मैं थोड़ा सा दोहरा दूँ और उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ 2 की कहानी थी उसमें, जिसमें देवव्रत ने राजा शांतनु के विवाह के लिए सत्यवती से एक वचन दिया था, सत्यवती को एक वचन दिया था। केवटराज जो सत्यवती के पिता थे, उन्होंने वचन लिया था कि राजा शांतनु के बाद राज सिंहासन जो है वो सत्यवती के पुत्रों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दिया, लेकिन केवटराज की समस्या सिर्फ इतने तक नहीं थी। उन्हें ये लग रहा था कि अगर भीष्म के पुत्रों ने ये दावा कर दिया कि उनका अधिकार है सिंहासन पर, तब क्या होगा। इसलिए केवटराज यानी सत्यवती के पिता ने अपनी इस समस्या को भी देवव्रत के सामने रखा। अंततः देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन वो विवाह नहीं करेंगे। इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो इसी बात की प्रतिज्ञा के कारण, ये कठोर प्रतिज्ञा उन्होंने जो जीवन में की थी, इसी के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा, जो पूरे महाभारत में देवव्रत के नाम से कम और भीष्म पितामह के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। उनका पूर्व नाम अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप अवश्य लिखें, देवव्रत उनका पूर्व नाम था और वो गंगा पुत्र थे, जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, कहानी देखने से आपको जल्दी समझ में आएगी, आप उसको सुनेंगे समझेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को उससे हाईलाइट किया है, जिसको कि आप अपनी पुस्तक में अगर रेखांकित कर लेंगे तो भी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज बारी है अम्बा और भीष्म की। तो अम्बा और भीष्म की कहानी मैं आपको बताऊंगी। विचित्र वीर की बात बता दूं कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर। विचित्र वीर का विवाह अंबिका से और अम्बालिका से हुआ। अम्बा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अम्बा ने ये कहा कि ये अम्बा, अंबिका और अम्बालिका ये काशीराज की कन्या थी तीनों, जिनका की हरण करके भीष्म यानी देवव्रत, भीष्म जो हैं वहाँ जाकर उनका हरण करके ले आए थे। लेकिन जब अम्बा ने भीष्म से प्रार्थना की कि वो विचित्र वीर से विवाह नहीं कर सकते, उसके पीछे का उन्होंने कारण बताया कि वे राजा शाल्व से प्रेम करती हैं, तो उन्होंने मान लिया इस बात को और छोड़ दिया। लेकिन भीष्म और शाल्व के बीच युद्ध हुआ था, भीष्म ने उन्हें हरा दिया था और काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर, बल्कि उनके निवेदन पर, काशीराज की कन्याएं कौन थी, अंबिका, अम्बा और अम्बालिका, इनकी प्रार्थना पर उन्होंने उसे जीवित तो छोड़ दिया। लेकिन अब जब वहां से काशीराज की कन्याओं को लेकर वो हस्तिनापुर पहुंचते हैं,
तो विचित्र वीर ने विवाह की सारी तैयारी कर ली थी, मंडप बना लिया था, लेकिन अंबा एकांत में ले जाकर भीष्म से अपनी समस्या बताती हैं कि राजा शाल को अपना पति मान चुकी हैं, तो वो विचित्र वीर से विवाह नहीं कर सकती। यही घटना इस कहानी, इस पाठ में है, जो मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगी। मैंने संक्षिप्त सा प्रकाश डाला है कहानी की थीम पर, सारांश पर। तो मैं प्रारंभ से बताती हूँ कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से चलने वाले, स्व इच्छाचारी। ये शब्द मैं बता दूं, स्वेच्छाचारी शब्द जो है उसको ध्यान से देख लीजिए आप, शब्द है स्वेच्छाचारी। देखिए इसमें कितने शब्द हैं, स्व है, इच्छा है, इच्छा है और चारण, चलने वाला, चारी, चारी मतलब चारण करने वाला, चलने वाला। तो इन तीनों इच्छा चीज को मिला के ये बना है शब्द स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी इच्छा से चलने वाला, अपनी इच्छा से चलने वाला। तो ये स्वेच्छाचारी शब्द बिल्कुल आपके हिसाब से नया था, तो मैंने इसको बता दिया आपको। तो एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारा गया। चित्रांगद बहुत मनमानी था, एकदम उच्छृंखल था, हर तरफ मनमानी करता था। तो एक बार हुआ क्या कि गंधर्व, एक गंधर्व से उनका, गंधर्व भी एक योनी है, जैसे देवता राक्षस उसी तरह गंधर्व भी एक योनी है। तो एक गंधर्व के साथ उनका, चित्रांगद का युद्ध हो गया, वो उसमें मारे गए। कम अवस्था के थे, कम उम्र के थे और तब तक उनको कोई पुत्र भी नहीं हुआ था। अब बारी आ जाती है विचित्रवीर की, जो उनसे छोटा था। विचित्रवीर को तब ये हुआ कि चित्रांगद की मृत्यु के बाद ये निश्चित हुआ कि इनको गद्दी पर बिठा देना चाहिए। विचित्रवीर आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक का राजकाज जो था वो भीष्म के ऊपर पड़ा, क्योंकि चित्रांगद की मृत्यु बिल्कुल अचानक और कम समय में हो गई। विचित्रवीर उस समय तक राजकाज संभालने लायक नहीं हुए थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि वो राजकाज नहीं संभाल सकते, तो ये मानकर कि ये राजकाज विचित्रवीर ही संभाल रहे हैं, उन्हीं के आदेश से भीष्म ने ये ठान लिया कि जब तक विचित्रवीर राजकाज संभालने लायक नहीं हो जाते तब तक वे स्वयं राजकाज संभालेंगे। तो भीष्म ने इस जिम्मेदारी को उठाया, भीष्म ने इस जिम्मेदारी उठा ली। जब विचित्रवीर बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी कि अब तो इनका विवाह कर देना चाहिए, अब इन्हें राजकाज भी संभालना है। तभी उन्हें खबर क्या लगती है कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तब तक उन्हें कहीं से सूचना मिल जाती है कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है और भीष्म भी उसी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर आप जानते होंगे, जहाँ की लड़की को यह अधिकार होता है कि वो वरमाला लेकर उस स्वयंवर में, लोग आते हैं अनेक देश विदेश सब जगहों से, अनेक देश के राजा वहाँ प्रस्थान करते हैं और जो राजकुमारी विवाह के लिए रखी होती है वो वरमाला लेकर वहाँ पूरा भ्रमण करती है और जिसके गले में वो वरमाला डाल देगी उसका विवाह उसी के साथ होगा, ये स्वयंवर कहलाता है। तो वहाँ पर उनको खबर लगती है कि काशीराज के यहाँ तो स्वयंवर होने वाला है। भीष्म वहाँ पहुँच जाते हैं, ये जानकर भीष्म बड़े खुश हुए, स्वयंवर में सम्मिलित होने का उन्हें मौका मिल गया, वो काशी आ गए, काशी रवाना होके आ गए। काशी मतलब यही बनारस जहाँ हम हैं, ये पहले काशी कहलाती थी, और काशीराज वही जो काशी नरेश कहलाते थे, रामनगर के जो राजा मानते हैं जिनको,
काशी नरेश थे वो। तो देश विदेश के अनेक राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए। राजपुत्रियों को पाने में आपस में स्पर्धा होने लगी, होड़ लग गई कि कौन जीते और ले जाए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। अब क्षत्रिय राजा जितने थे उनको तो भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पता था। वो जानते थे कि भीष्म की प्रतिज्ञा के आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो चल नहीं सकता, कोई भी उनके आगे जीत नहीं सकता। ये सबको ये बात पता थी कि वो अपने में अनोखा है। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हालचाल सब जानते थे कि इतनी बड़ी संपत्ति राज्य सबका मोह त्याग कर उन्होंने अपने पिता का विवाह सत्यवती से कराने के लिए इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन वो विवाह नहीं करेंगे, और अगर विवाह नहीं करेंगे तो उनके बाद राजकाज संभालने की जिम्मेदारी खुद उनके सत्यवती के पुत्रों की होगी। तो इसी कारण से उन्होंने सारे राजा लोग इस बात को जानते थे। इसलिए जब वो स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। सबको ये लगा कि भीष्म को तो विवाह करना नहीं है, फिर ये काशीराज के स्वयंवर में क्यों प्रस्तुत हुए हैं, क्या वजह हो सकती है। विवाह इन्हें करना नहीं है तो ये काशीराज का स्वयंवर या तो देखने आए होंगे। लोगों के मन में ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो वो सम्मिलित होने आए हैं ये सोचकर वो चले जाते हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। तब जब उन्होंने अपना भी नाम उसमें लिखाया कि मैं भी स्वयंवर में हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तब लोगों को लगा कि अब भीष्म के आगे तो काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर किसी और के साथ होगा, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। उनको क्या पता था कि इतनी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले जो हैं वो भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। कौन भाई? विचित्रवीर। उन्हें ये लग रहा था कि वो काशीराज की कन्याओं को जीतकर विचित्रवीर से विवाह करा देंगे, इसलिए वो स्वयंवर में शामिल हुए थे। तो उन्होंने स्वयंवर में शामिल होना उचित समझा। और अब वो वहां पर भी अपना नाम लिखा दिए, अपने भाई के लिए वो चाहते थे। और ये बात सुनते ही सभा में खलबली मच गई। लोग सोचे कि अरे भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि विवाह नहीं करेंगे, और फिर ये स्वयंवर में शामिल होकर के क्यों ऐसा करने आए हैं। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे, स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो स्वयंवर से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो काशीराज की कन्या को विचित्रवीर के लिए लेने आए थे। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, तो लोगों को लगने लगा कि क्या ये झूठी प्रतिज्ञा थी, क्या भीष्म ने झूठी प्रतिज्ञा की है। इस भांति जब राजकुमार जो सुनता वो उनकी हंसी उड़ाने लगता। यहां तक कि काशीराज की जो कन्याएं थी भीष्म की तरफ से वो भी दृष्टि फेर लेती हैं कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है तो ये तो विवाह करेंगे नहीं, और तो और उनकी अवहेलना करके वो आगे चल देती थी। तो उन्हें ये लगा कि काशीराज की कन्याएं आखिर भीष्म स्वयंवर में शामिल होकर क्या चाहते हैं। काशीराज की कन्याओं के मन में ये सवाल उठना बिल्कुल उचित था। तो उन्होंने सभी राजकुमारों भीष्म की इस अवहेलना को सह नहीं पाए, उन्होंने वहां उपस्थित सारे राजकुमारों को हरा दिया। तीनों कन्याओं को बलपूर्वक उठाया, रथ पर बैठा लिया, हस्तिनापुर की ओर चल दिए। अब जब उन्हें उनकी अवहेलना की जाने लगी, उन्हें अपमानित किया जाने लगा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से हट गए हैं, वो यहाँ स्वयंवर में शामिल होकर काशीराज की कन्याओं को लेने आए हैं, वो विवाह करना चाहते होंगे,
तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, फक्तियां कसने लगे। तो उन्होंने सोचा कि यहीं पर अपने बल को दिखा देना चाहिए। तो उपस्थित जितने राजा रहते हैं उनसे वो युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद उन सबको हरा कर अपने बल से, अपनी ताकत से काशीराज की कन्याओं को जीतते हैं और हस्तिनापुर की ओर चल देते हैं। अब सौभ देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। नोट कर लीजिए, सौभ देश का राजा, सौभ देश याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि साल्व सौभ, सौभ देश का जो राजा रहता है, सौभ देश का राजा है साल्व का राजा, नाम था साल। तो उन्होंने राजा साल को जब ये बात पता लगती है तो उन्होंने युद्ध किया भीष्म के साथ युद्ध किया। और अब काशीराज की जो कन्याएं थी उनमें अंबा जो थी वो राजा साल से प्रेम करती थी। मैंने यहां लिख दिया है सौभ देश का राजा साल, इन्हीं से अंबा प्रेम करती थी। तो काशीराज की जो दो कन्याएं थी अंबिका और अंबालिका, उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन जब जीत करके भीष्म उनकी कन्याओं को लेकर चलते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, विचित्रवीर से विवाह की इधर तैयारियां शुरू हो गई और लगा कि बस हस्तिनापुर पहुंचकर वे हर तरह से विचित्रवीर का विवाह कराने की सारी चीजें पूरी कर लेंगे। तो काशीराज की जो बड़ी बेटी अंबा रहती है वो एकांत में भीष्म को ले जाती। अंबा बड़ी थी ये भी लिख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अंबा, अंबिका और अंबालिका में से कौन बड़ा था। तो काशीराज कन्या में अंबा, अंबा जो थी बड़ी थी। तो ये भी स्टार लगा के लिख दे रहे हैं, आप इसको रेखांकित कर लीजिएगा। तो अंबा बड़ी थी, वो बुलाई। और भीष्म का एक नाम गांगेय भी था, गांगेय। तो वो संबोधित करती हैं कि अपनी समस्या बताती हैं कि गंगा पुत्र, मैंने तो सौभ देश के राजा साल को अपना पति मान लिया, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं विचित्र वीर से विवाह कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो पति मान चुकी हैं तो वो विवाह नहीं करेंगी। तो वो भीष्म से कहती हैं कि आपने मुझे बलपूर्वक यहाँ से उठा लाए हैं, मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब तो उचित समझे। तब उन्होंने कहा कि आप तो जान चुके हैं कि मैं साल से प्रेम करती हूँ, तो मैं विचित्र वीर से विवाह नहीं कर सकती, मेरी स्थिति को जानकर आप मुझे छोड़ दें, मेरा विवाह साल्व से होने दें। उन्होंने बहुत प्रार्थना की भीष्म से और अपनी बात उनके सामने रखी। अब भीष्म ने जब अंबा की बात सुनी तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल उचित है, अंबा का विवाह विचित्र वीर से नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अंबा को छोड़ दिया, उनकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध कर दिया और उन्हें वापस साल्व राजा के पास भेज दिया। अब पुराने राजाओं में ये प्रथा थी कि अगर, चूंकि भीष्म ने तो साल्व को हरा दिया था और हरण करके अंबा को लाए थे, अब ऐसे स्थिति में जब वो जीत कर लाए थे और वापस भेजते हैं तो राजा साल्व को क्या लगता है कि ये तो उचित नहीं है, मैं तो हार गया हूं, तो उनका दिया हुआ ये एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर, उपहार हो जाएगा। तो उस अंबा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहां आकर अंबा की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। उन्होंने ये बात की कि किसी भी तरीके से समझाया, पूरी व्यवस्था की, राजा साल्व के पास भेज दिए।
और दोनों बहन जो दूसरी बचती हैं अंबिका और अंबालिका, उन्हीं दोनों का विवाह विचित्र वीर से करा दिया। इसीलिए विचित्र वीर की दो रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अब अंबा अपने मनोनीत वर, वर मतलब पति, तो उन्होंने तो पहले से ही मन में यह धारण कर लिया था कि उन्हें शाल से ही विवाह करना है, तो उन्होंने सारा वृतांत साल्व को सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूं और मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने भीष्म से भी अनुरोध किया है कि मुझे आपके पास भेज दे, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। ये बात अनुरोध अंबा ने राजा साल्व से किया। राजा साल्व को तो ये बात बड़ी अपमानित करने वाली लगी। उन्हें लगा कि भीष्म की दी हुई भिक्षा की तरह हो गया ये तो, कि जीत कर ले गए हैं और उसके बाद उन्होंने अंबा को दिया है मुझे, तो ये एक राजा के लिए बड़े अपमान की बात होगी। तो इस अपमान को बर्दाश्त करके वो अंबा से विवाह क्यों करना चाहेंगे। उन्होंने अंबा से विवाह नहीं किया, वो नहीं माने। उन्हें लगा नहीं, ये तो राजा शौब देश के राजा साल्व का अपमान हुआ कि जीती हुई चीज को वो फिर उसको वापस दे रहे हैं, तो ये तो बड़े अपमान की बात उनको महसूस हुई। सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने युद्ध में पराजित करके बलपूर्वक ओदा उठा कर ले गए थे, और इतने बड़े अपमान के बाद वो तुम्हें कैसे स्वीकार मैं कर लूं, ये बात अंबा से साल्व ने बताया कि इतने के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं, ये स्थिति नहीं बनती है कि किसी की दी हुई चीज को मैं ऐसे स्वीकार करूं। तो वो नहीं मानते इस बात को कि वो स्वीकार करेंगे। अब बेचारी अंबा फिर वापस हस्तिनापुर लौटती है, हस्तिनापुर से वो राजा साल्व के पास गई और राजा साल्व के पास से पुनः फिर हस्तिनापुर भीष्म के पास आती है, और उन्होंने भीष्म को सारा हाल बता दिया। उन्होंने विचित्र वीर से कहा कि वत्स, राजा साल्व तो अंबा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो तुम ही विवाह कर लो इनसे। राजा साल्व अंबा को स्वीकार नहीं करते, तो उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब अंबा चूंकि एक बार ये कहकर वहां से जा चुकी थी कि वे राजा साल्व से प्रेम करती हैं, तो विचित्र वीर ने मना नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन जब राजा साल्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, वो वापस लौट के आती हैं, तो फिर उन्होंने ये जाना कि उन्होंने कहा कि ठीक है तो मैं विचित्र वीर से विवाह कर लूंगी, तो विचित्र वीर ने स्वीकार नहीं किया। यानी अंबा की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी, न यहाँ विचित्र वीर स्वीकार कर रहा था और ना वहां जाने पर राजा साल्व ने स्वीकार किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। पर विचित्र वीर अंबा के साथ विवाह करने को राजी नहीं हुए, कितना भी भीष्म ने उन्हें समझाया लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब बेचारी अंबा न इधर की हुई और न उधर की हुई, कहीं भी उनका स्थान नहीं, न साल्व ने रखा न विचित्र वीर ने रखा, और रास्ता न देखकर भीष्म जी बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही गई। अंत में उन्होंने कहा, गंगा पुत्र से कहा कि आपके अपराध की सजा तो मुझे मिल गई, राजा साल्व ने भी स्वीकार नहीं किया और विचित्र वीर ने भी स्वीकार नहीं किया, तो मैं तो दोनों ओर से चली गई, अब तो मुझे दोनों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर कर लाए हैं, अब आपका कर्तव्य कि आप मेरे साथ विवाह करें। अंततः अंबा ने भीष्म से कहा कि जब आप हरण करके लाए हैं स्वयंवर से, तो हक बनता है कि आप मेरे साथ विवाह करें, लेकिन वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो सत्यवती के पिता को वचन दे चुके थे, अपने पिता के विवाह के पहले ही वचन दे चुके थे कि वो विवाह नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में अंबा बड़ी परेशान होती है। भीष्म ने अपनी पूरी स्थिति समझाई कि वो तो प्रतिज्ञा की याद भी दिलाई और बोले कि मैं तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर से दोबारा भी आग्रह किया कि मान जाए, लेकिन भीष्म ने अंबा को फिर समझाया, कहा कि तुम वापस फिर सौब राज के पास जाओ
शौब देश के राजा शाल्व के पास जाओ, एक बार फिर से प्रार्थना करके देखो, हो सकता है वो मान जाए दोबारा आने पर। तो अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर से शौब देश के बीच बीच ठोकर खाती रही। 6 साल तक, आप इसको भी रेखांकित करिए, 6 साल तक, 6 साल तक अंबा हस्तिनापुर, अंबा हस्तिनापुर और हस्तिनापुर और शौब देश के राजा शाल्व शाल्व के बीच आती जाती रही, आती जाती रही। तो मतलब कहने का हुआ कि अंबा कहीं की नहीं हुई। भीष्म के इस व्यवहार के कारण अंबा को किसी ने नहीं स्वीकार किया, न विचित्रवीर ने, न राजा शाल्व ने। तो वो बहुत दुखी हो गई। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शौबराज ने साफ साफ इनकार कर दिया, अपमान समझा इस बात को। तो उन्हें अब उन ठोकरें खाती रही और उन पर उसे बहुत क्रोध आया। भीष्म को ही समझाया कि विवाह कर लें, लेकिन भीष्म भी जब नहीं माने तो अंबा को भीष्म पर बहुत क्रोध आता है कि मुझे हरण करके ले आए, न स्वयं विवाह कर रहे हैं, न विचित्र वीर विवाह कर रहा है, न राजा शाल विवाह कर रहे हैं। तो उनकी स्थिति तो बहुत नाजुक हो गई और प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रतिहिंसा शब्द क्या है। प्रतिहिंसा का मतलब होता है, प्रतिहिंसा कहते हैं हिंसा के बदले में की गई जो हिंसा होती है, किसी के द्वारा की गई हिंसा के बदले में। हिंसा मतलब मारकाट, मारकाट के बदले में की जाने वाली मारकाट को हिंसा के जगह प्रतिहिंसा कहते हैं। तो शब्द है प्रतिहिंसा, यानी हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा को प्रतिहिंसा कहते हैं। द्वंद प्रतिद्वंद, तो इसी तरह ये शब्द है हिंसा और प्रतिहिंसा। हिंसा का मतलब होता मारकाट, और यानी हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा, हिंसा जो होती है हिंसा प्रतिहिंसा कहलाती है, प्रतिहिंसा कहलाती है। तो मैंने चूंकि ये शब्द आपके स्तर का है तो मैं इसको लिख के यहां समझा देती हूँ, कहलाती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि हिंसा और प्रतिहिंसा में क्या अंतर है। द्वंद और प्रतिद्वंद भी ऐसा ही एक शब्द है। तो फिर उन्होंने प्रतिहिंसा की आग में, मतलब बदले की आग में वो जलने लगी, और बदले की आग में जलती ही उन्होंने अपना सारा दुखड़ा, भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वे कई राजाओं के पास गईं कि उनकी मदद करे, उनकी मदद करके उनकी उनको सहारा दे। लेकिन भीष्म का नाम सुनते ही सारे राजा जो रहते थे वो बिल्कुल हिम्मत हार जाते थे कि नहीं, भीष्म से वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, वो नहीं जीतेंगे, भीष्म को युद्ध में हराना बहुत कठिन है। तो उन्होंने ये कहा कि वो निराश हो गई और तपस्या करने की सोची। अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में गई। तपस्वियों ने कहा कि तुम परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो उनको तपस्वी ने बता सलाह दी और परशुराम के पास भेज दिया। और फिर तब ऋषियों के सलाह से अंबा जो रहती हैं परशुराम के पास चली जाती हैं, और अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय जो रहता है पिघल जाता है। वो दयाद्र स्वर में, बड़े ही दुखी स्वर में दया के भाव से बोलते हैं, काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्रश्न किया उन्होंने परशुराम ने अंबा से कि हे काशीराज कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अंबा ने कहा ब्राह्मण वीर
मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अंत उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ जिस भीष्म के कारण मुझे तकलीफ हुई है, मैं परेशान हूँ। राजा शाल्म ने स्वीकार नहीं किया और विचित्रवीर ने स्वीकार नहीं किया, आप उसका वध करें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई तो भीष्म के पास गए, युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा, दोनों एक दूसरे के समकक्ष थे, बराबरी के थे और दोनों को ही धनुष विद्या की जानकारी। तो उन्होंने युद्ध किया, अंततः परशुराम ने हार स्वीकार कर ली, युद्ध का निर्णय नहीं हो पाया और उन्होंने अम्बा के आगे प्रार्थना कर दी कि जो कुछ मेरे वश में था वो मैंने किया और अब तुम भीष्म की ही शरण लो, क्योंकि भीष्म से बचाने वाला तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा, तो तुम चुपचाप अपने आप को भीष्म की शरण में डाल दो। अम्बा ऐसी बातों से बिल्कुल विचलित नहीं हुई, उन्हें लगा मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर वो तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर बहुत तपस्या की, बहुत दिनों तक की, और तपस्या में उन्होंने स्त्री रूप अपना छोड़ करके शिखंडी के नाम से हो गई, जो महाभारत के युद्ध में बाद में शिखंडी रहता है, उस शिखंडी के नाम से प्रचलित हो गई। उन्होंने अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप धारण कर लिया। अब कौरव पांडव के बीच युद्ध हुआ, तब यही शिखंडी जो था, जब अर्जुन ने इसी शिखंडी को आगे करके उन्होंने भीष्म पर वाण चलाया था, तो भीष्म को इस बात का पता था कि ये शिखंडी पूर्व जन्म की अम्बा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस पर वाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि एक योद्धा के लिए किसी स्त्री पर वाण चलाना बिल्कुल उचित नहीं है, तो मैं उस पर वाण नहीं चलाऊंगा। तो वही हुआ कि अंततः भीष्म को वाण लगता है और वो सरसैया पे जाकर लेट जाते हैं, तो भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। ये कहानी अभी आगे और आएगी, बस आप अभी इतना ही जानिए कि अंततः तपस्या के बल पर अम्बा ने अपना स्त्री रूप छोड़ दिया और उन्होंने पुरुष रूप धारण कर लिया और शिखंडी बन गई। इस शिखंडी ने आगे भीष्म वध में सहयोग किया है, जो मैं आपको आगे की घटना में बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।